डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत से परेशान है और इसी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल के आईपीडी वार्ड के बाहर पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कई बार मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और प्रबंधक को पानी को लेकर शिकायत की, लेकिन इसकी कोई सुविधा नहीं की गई। वहीं पीएचडी और बोरवेल से पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है और टंकियों में भरा जा रहा है, लेकिन टंकियों से पानी निकलने में टेक्निकल फॉल्ट आया है जिससे कि पानी नलों तक नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में प्राचार्य की लापरवाही के कारण मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को नहाने धोने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताकि पिछले बहुत दिनों से करीब 15-20 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमने टाइम टाइम पर प्रशासन को, अधीक्षक महोदय को, प्रिंसिपल सर को, सबको अवगत करा दिया कि हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, न पीने का आ रहा है। और पिछले 5 दिन से तो ये हालत हो गई है कि एक टपका पानी नहीं है, जाएं तो कहाँ जाएं। इतनी गंभीर समस्या है, कितनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी हमने अब तक लगातार काम किया। कल भी सूचना दी कि सर पानी चाहिए, पानी के बिना कुछ नहीं है, उसकी बदौलत आज हमें ये कार्य करना पड़ रहा है। और आज भी हम अवगत कर रहे हैं, आज समाधान नहीं हुआ तो कल से पूरा संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसका हम सभी रेजिडेंट डॉक्टर ने निर्णय लिया।